12 साल बाद वर्ल्ड कप में सलामी जोड़ी ने किया ये शानदार कमाल और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में दो बार हुआ है ये आगाज। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान एक शानदार मुकाबला रहा, एक बहुत हाई स्कोरिंग हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला हमें, ताबड़तोड़ रन बरसे, एक तरफ से 367 तो दूसरी तरफ से 305। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने भैया शतक जड़े और वार्नर ने तो टेडी शैंडर्ड जड़ा, 163 रन की पारी खेली 50 ओवर में, इस तरह से 9 विकेट पर 367 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान टीम की सलामी बल्लेबाजों ने टीम को दमदार शुरुआत दिलाई। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने 134 रनों की पार्टनरशिप की ओपनिंग विकेट के लिए। वहीं डेविड वार्नर मिच मार्श ने भी पहले विकेट के लिए 259 रनों की साझेदारी की थी, यानी कि ओपनिंग स्टैंड पहले 259 का मिच मार्श और डेविड वार्नर ने सेट किया और फिर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने 134 रनों का। वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब दोनों पारियों में ओपनिंग पार्टनरशिप सेंचुरी की रही हो, ये रिकॉर्ड बना है। एक वर्ल्ड कप मैच में दोनों ही पारियों में सलामी बल्लेबाजों ने सबसे पहली जो सेंचुरी पार्टनरशिप थी 2007 में की थी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला जा रहा था 2007 में, बैरिस्टर में खेले गए मैच में ये देखने को मिला था। इसके बाद पेलिकल में श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे के मैच में दोनों पारियों का ओपनिंग स्टैंड सेंचुरी के हिसाब से रहा था। खैर आपको लिस्ट बता देता हूं कि सबसे बड़ा ओपनिंग स्टैंड मतलब दोनों के पारियों के रन मिलाकर, यानी कि पहली वाली टीम ने जितने मारे, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया ने जितने मारे 259 और फिर पाकिस्तान ने मिला के मारे 134, तो इन दोनों का काउंट करके कितना बैठा है तो सबसे बड़ा रहा है 398 का। वही श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे वाला मैच था जो पेलिकल के मैदान में खेला गया था, 2011 का वो साल था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान बेंगलुरु में 2023 में, यानी कि आज के मुकाबले में 393 रन बने हैं, यानी कि ये दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। नंबर तीन पर आयरलैंड वर्सेस वेस्टइंडीज है, डबलिन में 2019 का मुकाबला खेला गया था, इसमें 377 रन बने थे, ये तीसरे नंबर की, यानी कि आज की जो पारी है वो दूसरे नंबर पर जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए बड़ी पार्टनरशिप किसने दी है, तो 141 रन की पार्टनरशिप मेलबर्न में दी थी 1985 में, मोहसिन खान और मुदस्सर नजर ने, मेलबर्न का मैदान था 1985 में, 141 रन की आई थी। और अब 134 की अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने दे दी, यानी कि ये दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से। वर्ल्ड कप की बात करें तो ओपनिंग पार्टनरशिप वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बड़ी किसकी रही है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका बैरिस्टर में ये मुकाबला हुआ था, और फिर जिम्बाब्वे वर्सेस पेलिकल, ये मैंने आपको बताया। इस तरह से तमाम तरह की चीज़ें हुई और वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार चार सलामी बल्लेबाजों ने 50 से ज्यादा रन स्कोर किए, जबकि वनडे में 14वीं बार ऐसा हुआ है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप के मामले में अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने नंबर दो की जगह बना ली है। वर्ल्ड कप में अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक पाकिस्तान के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी करने में कामयाब रहे हैं। वर्ल्ड कप की अगर बात करूं तो वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप किसने की, सईद अनवर ने वजहतुल्ला के साथ की थी, न्यूजीलैंड के बनाम की थी, मैनचेस्टर का मैदान था, 1999 का साल था, 194 रन की पार्टनरशिप आई थी। 159 नंबर दो पर आता है माजिद खान और सादिक मोहम्मद ने श्रीलंका खिलाफ नॉटिंगम में 1975 में की थी। और अब तीसरे नंबर पर 134 रन की पार्टनरशिप है अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, तो ये तीसरी सबसे बड़ी है। इस तरह से अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, मिच मार्श और डेविड वार्नर, इन तीनों ने मिलकर, इन चारों ने मिलकर रिकॉर्ड बनाया इस मुकाबले में। हाई स्कोरिंग मुकाबला था और काफी आखिर तक नहीं गया, 62 रन से ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीती, क्योंकि आखिर में मिडल ऑर्डर और टेल एंडर्स ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, 36 रन पर 6 विकेट गिरे। इसी पैटर्न में वो इंडिया खिलाफ आउट हुए थे, 36 रन पर 8 विकेट गिरे थे, तो एक ही पैटर्न चल रहा है जिससे पाकिस्तान मैच हार रहा है। आपको क्या लगता है कि वाकई में पाकिस्तान का अगर मिडल ऑर्डर साथ देता था, अगर कप्तान साथ दे जाते तो मैच में का रिजल्ट कुछ और आ सकता था, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।